आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इस नए शिक्षा सत्र में हम फिर से एक बार ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से जुड़ेंगे। आज हम आपकी 8वीं कक्षा के भूगोल विषय के पहले अध्याय संसाधन को पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक इस पाठ को सुनना है और पाठ के अंत में आपसे आज के टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर दूंगा, जिसको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। संसाधन। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी हैं, मोना ने कहा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, अम्मा ने कहा। ये संसाधन है। संसाधन क्या है, अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। तो इसमें आपने देखा कि आसपास की समस्त चीज़ें संसाधन है, और संसाधन उसको कहते हैं या उस वस्तु को कहते हैं जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए, आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्यपुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। तो ये सभी संसाधन हैं, क्यों हो गए, क्योंकि इन सभी चीज़ों का, इन सभी वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं, तो इसलिए इन चीज़ों को अपन संसाधन कहेंगे। आपके पिता आपके लिए नाश्ता तैयार करते हैं, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वे भी एक संसाधन है। तो इस प्रकार हमारे उपयोग में आने वाली समस्त वस्तुओं को हम संसाधन कहते हैं। यहाँ देखिए, आओ कुछ करके सीखें। यहाँ पर पूछा गया है कि अपने घर और अपनी कक्षा में उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 5 संसाधनों की सूची बनाइए। तो अपन कक्षा में क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, सूची आराम से बना सकते हैं। जैसे मैं आपको 2-3 के नाम बता दूं, जैसे कि एक तो हो गया श्यामपट्ट, इसी प्रकार से हो सकता है चौक, फर्नीचर, और इसके अलावा आपकी पाठ्य पुस्तकें, पेन वगैरह वगैरह। तो ये सभी क्या हो गए, संसाधन जो कि हमारी कक्षा से जुड़े हुए हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक, सभी में कुछ एक जैसा क्या है, उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। कोई वस्तु जितनी ज़्यादा उपयोगी होगी या उसकी प्रयोज्यता जितनी ज़्यादा होगी वह एक उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण संसाधन होती है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, उस समय संसाधन कोई भी वस्तु है या वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है, इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। कोई भी वस्तु जितनी ज़्यादा उपयोगी होगी उसका उतना ही ज़्यादा मूल्य होगा। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, धरती पर मौजूद सभी संसाधन मूल्यवान हैं। मूल्य का अर्थ होता है महत्व। जरूरी नहीं है कि धरती पर मौजूद सभी संसाधन का कोई मूल्य हो,
कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण के लिए जितने भी प्रकार की धातु हैं उनका एक आर्थिक मूल्य है, धातु यानी सोना चांदी पीतल तांबा वगैरह, जबकि मनोरम भूदृश्य यानी बहुत ही सुंदर घाटियाँ पहाड़ नदियाँ झरने इनका कोई आर्थिक महत्व नहीं है, ठीक है। तो इनका आर्थिक मूल्य नहीं होता है, परंतु ये दोनों ही संसाधन हैं और एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्यों? क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। धरती पर मौजूद जितने भी प्राकृतिक चीज़ें हैं वे सारी मानव के लिए आवश्यक है। ये हमारे पर्यावरण को और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को सही तरीके से रखती है। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं, समय बढ़ने के साथ साथ उनका आर्थिक मूल्य बढ़ जाता है। आपकी दादी माँ के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं होता है। घर के जो नुस्खे होते हैं किसी भी बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए जो उपयोग में लाए जाते हैं उनका कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं होता है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म के द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। यानी कि अगर किसी ने किसी भी तरीके का पेटेंट करवाया है तो उस तरीके को वह व्यक्ति बेच सकता है या उस तरीके का इस्तेमाल करने के बदले में वह आर्थिक मूल्य के रूप में पैसा ले सकता है। यहाँ पर पेटेंट का अर्थ भी दिया हुआ है शब्दावली में। पेटेंट का तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। तो जिस भी तरीके का वस्तु का किसी व्यक्ति ने पेटेंट करवाया है या उस व्यक्ति ने उस वस्तु का आविष्कार किया है और उसके बाद उसका पेटेंट करवा दिया है तो उस वस्तु या उस विचार पर एकमात्र अधिकार उसी व्यक्ति का होगा जिस व्यक्ति ने पेटेंट करवाया है। तो हमने देखा कि किसी वस्तु को किस प्रकार से उसकी उपयोगिता संसाधन में परिवर्तित कर देती है। इसके साथ या इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो किसी चीज़ को महत्वपूर्ण संसाधन बनाती है, और वो है समय और प्रौद्योगिकी। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। ये दो महत्वपूर्ण कारक हैं। प्रौद्योगिकी का अर्थ टेक्नोलॉजी होता है। किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग है वो क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी कहलाता है। हम कभी कभी तकनीकी का उपयोग करते हैं किसी भी काम को करने की तकनीकी, और तकनीकी को ही क्या कहते हैं? प्रौद्योगिकी। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही महत्वपूर्ण संसाधन है, तो जो व्यक्ति होते हैं या मानव होते हैं वो स्वयं भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्यों है? क्योंकि ये लोगों के विचार ज्ञान आविष्कार और खोज ही है जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। जितने भी धरती पर विचार हुए हैं या नया ज्ञान आया है या नए आविष्कार हुए हैं या खोजे हुई हैं उन सभी को करने वाला कौन है? उन सभी को करने वाले तो लोग ही है ना, मानव ही है। इसलिए मानव स्वयं भी एक क्या है? महत्वपूर्ण संसाधन है। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज और आविष्कार होते हैं, जैसे कि आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति और अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ है, और ऐसे ही पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हो गया। वैसे ही जल विद्युत बनाने की जो प्रौद्योगिकी है उसने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसको एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जैसे कि आग हुई, पहिया हुआ और जल विद्युत हुआ, इन सभी चीज़ों को समय और प्रौद्योगिकी इन दोनों ने क्या किया है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाया है। तो मानव स्वयं भी क्या है? एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो इस प्रकार से आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आगे आप प्रश्नोत्तर को देखेंगे।